कांग्रेस शुरू हो गई। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा का बयान, ढाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था, कहा बोहरा ने, संस्कृत विद्यालय तोड़कर बनाया गया झोपड़ा, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर यहां पर झोपड़ा बनाया गया, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचरण बोहरा का। रामचरण बोहरा ने इसके बारे में इशारा भी किया, उन्होंने बताया कि किन किन बातों से सबूत मिलते हैं कि यहां पर संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। हालांकि इतिहास भी इस बारे में बताता है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने जब यहां पर विजय पाई थी उस समय इसको तारागढ़ अजमेर कहा जाता था, यहां पर विजय पाने के बाद उसने कई जगहों को गिराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया और उसने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यह काम करने के लिए कहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर स्ट्रक्चर जो था उसका ऊपरी हिस्सा गिराकर और उसको मस्जिद में बदल दिया। रामचरण बोहरा अब इस तरफ इशारा कर रहे हैं। रामचरण बोहरा ने कहा है कि यहां करीब ही संगमरमर का एक शिलालेख भी है। असल में संगमरमर का ये जो शिलालेख है उसमें हरकेली नाटक का जिक्र है। हरकेली नाटक जिसको विग्रहराज, जिनको बिसलदेव भी कहा जाता था, उन्होंने लिखा था और उसके बारे में वहां पर वो डिटेल लिखा हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा ने ढाई दिन के झोपड़े के बारे में क्या क्या कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। हमारे राजस्थान प्रदेश में ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था, ये ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। मोहम्मद गौरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस संस्कृत सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया।